हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में आत्मनिर्भर भारत के बारे में। हालांकि हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस देख रखे हैं, उन वीडियोस को आप लोग फटाफट जाकर के देख लीजिए, क्योंकि हम लोग जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री लगातार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान में बताते जा रही है, डे वाइज हम लोग भी उसको डिस्कस करते जा रहे हैं इन आवर डिटेल्ड मैनर। In the last video, we have discussed several provisions related with the structural reform which is being done under civil sector, civil aviation sector, coal sector, mineral sector and defense वगैरह sector के बारे में हम लोगों ने देखा था कि last class में काफी ज्यादा वहां पर changes वगैरह कर दी गई थी। इस वाले उसी series के continuation में हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और हम लोग जरा structural reform देखते हैं कि क्या कुछ किया गया है। जैसे हमारा सबसे पहले sector आ जाता है हमारा DISCOM का sector या power generation का sector। जो पावर जनरेशन का सेक्टर है ये देखिए काफी ज्यादा लॉस मेकिंग हो रखी है, और लॉस का मतलब यही कि जो इनके पुराने कर्जे हैं, पुराने जो भी लोन्स वगैरह हैं, उसी के कारण से काफी ज्यादा इनका निगेटिव में इनकी ग्रोथ जा रही है, जिसके कारण से हमें काफी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा देखिए कुछ स्कीम्स लाई गई हैं, कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स लाई गई हैं, जो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर वन इसमें कहा गया है कंज्यूमर राइट। इस कंज्यूमर राइट में कंज्यूमर को क्या कुछ राइट दिए जाने की बात कही जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि डिस्कॉम इन इफिशियंसी नॉट टू बर्डन कंज्यूमर्स। अगर मान लीजिए कि कभी कोई दिक्कत होती है, मीटर रिलेटेड दिक्कत हो जाती है या फिर बिलिंग रिलेटेड दिक्कत हो जाती है, तो वहां पर अब ये कंज्यूमर के ऊपर बर्डन नहीं बनाएंगे, अब ये कंपनी को खुद वहन करना पड़ेगा, कंपनी को खुद ये सस्टेन करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस एंड एसोसिएटेड पेनाल्टी फॉर डिस्कॉम। तो अगर मान लीजिए कि ये सर्विस के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं या जो भी एसोसिएटेड सेक्टर्स वगैरह होंगे, कुछ भी मान लीजिए सर्विस से रिलेटेड हो गया या मेंटेनेंस से रिलेटेड हो गया, अगर वो डिस्कॉम कंपनीज फॉलो नहीं कर रही है तो डिस्कॉम कंपनी को पिनलाइज किया जाएगा। मतलब यहां पर कंज्यूमर के राइट्स के बारे में ज्यादा बात की जा रही है, और डिस्कॉम जो कह लीजिए कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कर लेती है, उस एक्सप्लॉयटेशन को यहां पर दूर करने की बात कही गई है। डिस्कॉम्स टू इंश्योर एडिक्वेट पावर लोड शेडिंग टू बी पेनलाइज। अगर मान लीजिए लोड शेडिंग कर लेते हैं, वोल्टेज अप एंड डाउन करते हैं, तो यहां पर डिस्कॉम कंपनीज को पेनलाइज किया जाएगा। तो ये हो गई हमारी कंज्यूमर राइट से रिलेटेड जो जो चीजें बात की गई है। दूसरा हमारा आ जाता है प्रमोट इंडस्ट्री, किस तरीके से हम लोग इंडस्ट्री को प्रमोट करने वाले हैं जो डिस्कॉम की इंडस्ट्रीज हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे भी कि यूटी के सेक्टर में, यूटी जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती है, वहां पर जितने भी पावर सेक्टर या फिर डिस्कॉम की कंपनीज है उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। स्टेट वाले क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में भी आती है, तो स्टेट वाले क्या है कि अगर उनको अच्छा लगेगा देन दे कैन ऑल्सो चूज कि जितनी भी डिस्कॉम कंपनीज है उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, दे दिया जाए, प्राइवेट हैंड में दे दिया जाए। इसी तरीके से प्रमोट इंडस्ट्री को लेकर के कुछ यहां पर चीजें बताई गई है। जैसे एक बताया गया है प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन क्रॉस सब्सिडीज, तो जो भी क्रॉस सब्सिडीज है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। टाइम बाउंड ग्रांट ऑफ ओपन एक्सेस देने के लिए टाइम बाउंड दे दिए रहेगी, फटाफट जो होता है चीजों को कर दिया जा रहा होगा। जनरेशन एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट डेवलपर टू बी सिलेक्टेड कंपेरेटिवली। तो देखिए ये हमारी हो गई जो इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कुछ जो है स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ सेक्टर के बारे में बोला गया है कि नो रेगुलेटरी असेट्स, टाइमली पेमेंट ऑफ जीनोस, फिर उसके बाद से डीबीटी फॉर सब्सिडी, स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स। तो अब ये जो चीजें की गई है वो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी के बारे में की जा रही है कि जहां पर भी पैसा रुका हुआ है आपका वो फटाफट पैसा निकलवा दिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सब्सिडीज वगैरह दी जाएंगी, जो भी मीटर्स वगैरह है उनको प्रीपेड मीटर्स बना दिया जाएगा जिससे कि इन तक भी पैसा आते रहे। तो यहां पर बेसिकली कंज्यूमर के भी राइट को इक्वल प्रोटेक्शन दिया गया है और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सेक्टर के बारे में भी बात किया गया है, साथ में इंडस्ट्री का भी प्रमोशन किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है यूटी में, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। यहां पर क्या है कि सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई पावर डिपार्टमेंट यूटिलिटीज इन यूनियन टेरिटरी विल बी प्राइवेटाइज। इट विल लीड टू बेटर सर्विस टू कंज्यूमर्स एंड इंप्रूवमेंट इन ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इफिशियंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोवाइड अ मॉडल फॉर इमुलेशन बाय अदर यूटिलिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो इस तरीके से ये बेसिकली सिस्टम दे रहे हैं, अगर स्टेट वालों को पसंद आता है तो आप भी लोग ले सकते हैं इस तरीके के मॉडल को। इसके आगे देखिए सोशल वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में बात कर रहा है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के बारे में बात हो रही है। अब वो कह रहा है कि कोविड के केस में हमें कई सारी हमारी खामियां सामने देखने को मिली है, जैसे हमारे पास सफिशियंट नंबर में हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल नहीं है, सफिशियंट नंबर में हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है,
हम लोगों ने स्कूल को, कॉलेजेस को और जितने भी अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट प्लेसेस हैं उनके हम लोग जो भी फ्री स्पेस है वहां पर हम लोगों ने लोगों को क्वारंटीन किया हुआ है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिला है कि हमारा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा बैकवर्ड है। इस बैकवर्ड चीज को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, 8100 करोड़ से स्कीम निकाली है। इसमें कहा गया है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सफर फ्रॉम पुअर वायबिलिटी, क्योंकि ये महंगी ज्यादा हो जाती है, सस्टेनेबल नहीं रहती है और इस वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग गवर्नमेंट विल एनहांस द क्वांटम ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग अप टू 30% ईच ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एज वायबिलिटी गैप फंडिंग बाय स्टेट एंड सेंट्रल और स्टैट्यूटरी बॉडी। तो जितना भी कॉस्ट आएगा, मान लेते हैं किसी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में 100 करोड़ का अगर मान लीजिए आ रहा है पूरा का पूरा खर्चा, तो उसमें से 30 करोड़ गवर्नमेंट देगी, 70 करोड़ ही केवल और केवल प्राइवेट पार्टी या जो भी डेवलप कर रहा है उसको लगाना पड़ेगा। फॉर अदर सेक्टर्स वायबिलिटी गैप फंडिंग एग्जिस्टिंग सपोर्ट ऑफ 20% ईच फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट और स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो बाकी के सेक्टर के लिए केवल और केवल 20% ये अवेलेबल है। प्रोजेक्ट टू बी प्रपोज्ड बाय सेंट्रल मिनिस्ट्री। अब इसकी जो भी डिटेलिंग वगैरह है वो हमारी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री या जो भी रिलेटेड मिनिस्ट्रीज है वो बता रही होंगी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आ जाती है और वो आ जाती है हमारी मिसाइल से रिलेटेड चीजें कि क्या कुछ हम लोग इसरो के सेक्टर या स्पेस सेक्टर में हम लोग कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अब जैसे हमारे पास क्या है कि जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी स्पेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारा का सारा इसरो के द्वारा किया जाता है, विच इज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जैसे टीम इंडस वगैरह हो गई, ये काफी अच्छा डेवलपमेंट कर रही हैं स्पेस सेक्टर में, बट इनके इनको प्रॉपर एक्सपोजर और प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। अगर वर्ल्ड में अगर देखेंगे आप तो स्पेसएक्स हो गई या फिर बाकी और भी बहुत सारी ऐसे कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। इनफैक्ट जो वहां की गवर्नमेंट है, चाहे वो यूके की गवर्नमेंट हो चाहे यूएस की गवर्नमेंट हो, उनसे काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हमें भी अब क्या करना पड़ेगा कि स्पेस सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की जरूरत है, हमें भी इनको एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है ताकि ये अच्छा खासा एक्सप्लोर करें चीजों को और हमें अच्छा खासा आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए इंडियन प्राइवेट सेक्टर विल बी को ट्रेवलर इन इंडिया स्पेस सेक्टर जर्नी। अब इसरो के साथ मिलकर के ये काम करना शुरू कर देंगे, अब इनको अप्रूवल दे दिया गया है। इट विल प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज इन सैटेलाइट लॉन्चेस एंड स्पेस बेस्ड सर्विस। इट विल प्रोवाइड प्रिडिक्टेबल पॉलिसी एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट टू प्राइवेट प्लेयर्स। इट विल प्राइवेट सेक्टर विल बी अलाउड टू यूज इसरो फैसिलिटीज एंड अदर रिलेवेंट असेट्स टू इंप्रूव देयर कैपेसिटी। फ्यूचर प्रोजेक्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, आउटर स्पेस ट्रेवल एटसेट्रा टू बी ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। लिबरल जियो स्पेशल डेटा पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग रिमोट सेंसिंग डेटा टू टेक एंटरप्रेन्योर्स। तो ये कुछ ओपन किया गया है जहां पर कुछ भी अगर मान लीजिए स्पेस से रिलेटेड कोई भी एक्सप्लोरेशन करना है तो वहां पर अब प्राइवेट सेक्टर को भी इक्वल पार्टिसिपेशन दिया जा रहा होगा। यहां पर देखिए सबसे कंसर्निंग चीज यही है कि देखिए ये जियो स्पेशल डेटा भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा इन कंपनीज को या टेक एंटरप्रेन्योर्स को, लेकिन यहां पर देखिए हमें थोड़ा सा सूझबूझ के साथ चलना पड़ेगा और हमें एक रेगुलेटरी मेजर भी इनके ऊपर रखना पड़ेगा कि अगर ये डेटा लीक हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हमारे लिए काफी घातक हो सकता है क्योंकि हमारी जितने भी एनिमी नेशंस हैं उनको यही डेटा चाहिए होता है। इसके अलावा देखिए कुछ हमारे एनर्जी सेक्टर में भी या कह लीजिए हमारे एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में भी डेवलपमेंट की गई है, पॉलिसी रिफॉर्म लाया गया है। यहां पर कहा गया है कि अब जितने भी मेडिकल रिलेटेड जो भी हमारी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड संबंधित चीजें हो जाती हैं जो मेडिकल सेक्टर के लिए केवल है, वहां पर अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो सकेगा, वहां पर ओपन कर दिया गया प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए। जैसे हमारे पास 6 सेक्टर्स ऐसे थे जो 1991 के बावजूद भी उसको प्राइवेटाइज नहीं किया गया, जिसमें से एनर्जी सेक्टर हो गई या फिर हमारी केमिकल सेक्टर हो गया या हमारा रेलवेज वगैरह हो गया। तो ये कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर ओपन नहीं किया गया था प्राइवेट के लिए, बट नाउ दे हैव बीन आल्सो ओपन फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन। इसमें कहा यह गया है कि एस्टैब्लिश रिसर्च रिएक्टर इन पीपीपी मोड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल आइसोटोप्स, जैसे हमारी जो भी कैंसर वगैरह हो गया या इस तरीके की जितनी भी चीजें होती हैं वहां पर अब प्राइवेट प्लेयर आ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कैंसर है, कैंसर के लिए जो भी थेरेपी देनी होती है उस थेरेपी के लिए हमें एटॉमिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बार्क इसको देख रही होती है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसमें अब ये प्राइवेट प्लेयर भी अब इसमें पार्टिसिपेशन कर सकेंगे। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल आइसोटोप्स, प्रमोट वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू अफोर्डेबल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीजेस।
It will establish facilities in PPP mode to use irradiation technology for food preservation. जैसे क्या होता है food preservation के लिए, एक तो तरीका आपका cold chain का है, दूसरा होता है radiation के जरिए. इस radiation के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा participation private का चाहिए, जिससे कि हमें food preservation के लिए जो भी investment या जो भी infrastructure develop करना है अब वो share हो जाएगा government और साथ में private के द्वारा. तो इट इज कंप्लायंट टू एग्रीकल्चरल रिफॉर्म एंड असिस्ट फार्मर. तो फार्मर की काफी अच्छा ये फायदा हो जाएगा, क्योंकि उनके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो अब वेस्ट नहीं होंगे, और इससे क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोड्यूस मिलेगा और फार्मर को उसका उतना ही ज्यादा उनको इनकम होना शुरू हो जाएगा. इट विल लिंक इंडियाज रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम टू न्यूक्लियर सेक्टर. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम इंक्यूबेशन सेंटर विल बी सेटअप फॉर फॉस्टरिंग सिनर्जी बिटवीन रिसर्च फैसिलिटीज एंड टेक एंटरप्रेन्योर्स. तो बेसिकली यहां पर भी क्या है, एक अच्छा खासा एक स्टार्टअप के लिए काफी अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, काफी अच्छा एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा, जहां पर ओपन कर दिया जाएगा एक ऐसे सेक्टर को जो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है. तो ये थी हमारी पूरी की पूरी डे 4 की डिस्कशन. हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा एक एक पॉइंट को, क्या कुछ हो सकता है. बस हमें क्या है, सब कुछ अच्छा है, बस हमें एक रेगुलेटरी मेजर भी रखना पड़ेगा जहां पर हम इन सारे प्राइवेट पार्टीज पे रेगुलेशन रख सके, इनको चीजों को देख सके कि ये जो भी डेटा या जो भी हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उसका मिसयूज ना कर सके. तो दिस इज ऑल थिंग अबाउट दिस टुडेज लेक्चर. अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसको ज्वाइन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. हमारे डे 5 की भी ब्रीफिंग आ चुकी है, उस डे 5 को हम लोग डिस्कस करेंगे कल. मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.